कमा कनीसा, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे आज के इस नए व्लॉग में। तो कल वाले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि शादी प्रोग्राम था। हाँ। और आज वाले व्लॉग में ना मैं आपको दिखाऊंगी, हाँ, हमारे यहाँ पे गांव में जो है वो तोरण सियाला और ये सब कैसे होता है, क्योंकि आज बारात आएगी तो मैं आपको दूल्हा भी दिखा दूंगी और यहाँ पे तोरण सियाला कैसे होता है मैं आपको वो सब भी दिखा दूंगी। तो मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए और इस व्लॉग को एंड तक जरूर देखिए। तो अभी मैंने सूट तो पहन लिया और अब मैं फटाफट से तैयार हो जाती हूँ और तैयार होने के बाद मैं आप सबसे मिलती हूँ। मुझे ना सिर्फ फोटो शूट के लिए और वीडियो शूट के लिए तैयार होना तो पसंद है, क्योंकि उस टाइम घर पे ही रहते हैं और फटाफट से जो भी करना होता है करके फ्री हो जाता है। लेकिन जब घर से बाहर निकलते हैं ना तब तैयार होना थोड़ा कम ही पसंद होता है, मुझे सिंपल रहना ही पसंद है। लेकिन अब अगर बहुत ज्यादा सिंपल होके भी बाहर जाते तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए थोड़ा बहुत मैंने ये सूट पहन लिया है और पीवर की ओढ़नी ओढ़ ली है और ना ये मैंने एक जैकेट पहन लिया है क्योंकि सर्दी है तो सर्दी का भी पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। और ये मेरी दुर्गा बेबी रेडी हो गई, इसको मैंने ज्यादा रेडी नहीं किया, मतलब इसको नए कपड़े नहीं पहना क्योंकि ये बीमार हो जाती है थोड़ा। देखो मेरा बच्चा पारा, जो पारा बच्चा, ये बहुत प्यारा बच्चा, बहुत शाना बेबी है ये मेरा। तो अब हम लोग निकलेंगे थोड़ी देर में घर से और उसके बाद में मैं आपको बाहर का माहौल दिखाती हूँ कि हमारे गांव में किस तरीके से जो है ये सब भी प्रोग्राम होते हैं। तो अभी हम लोग निकल गए घर से और घर से निकलते ही थोड़ी सी दूर, मतलब 5 मिनट चलते हैं और गली आती है, गली से निकलती है हमारे गांव का ये गुआड़ बना हुआ है। तो ये हमारे घर के बिल्कुल पास में है। तो यहाँ पे क्या सियाला होता है, तो अभी शायद दूल्हे राजा आने वाले हैं, तो यहाँ पे तैयारी की हुई है दूल्हे राजा की। और ये जो है पहले दूल्हा राजा आने वाला होता है ना, तो उसे थोड़ी देर पहले यहाँ की सफाई करके और ये बिछा देते हैं। और ये जो रेड कलर की गद्दी दिख रही है ना, इस पर बैठेंगे दूल्हा, और ये जो ग्रीन कलर का बिछाया है इस पर बराती और जो गांव के बड़े बुजुर्ग होते हैं वो जिनकी इच्छा होती है वो बैठ जाते हैं। और अब ये आ गए हम लोग दुल्हन के घर पर, और उस साइड जो है वो खाने की व्यवस्था की गई है। तो हम लोग पहले दुल्हन के घर पर जाएंगे और ये सजाया हुआ है फेरों का मंडप, कि आजकल सभी लोग फेरों का मंडप सजाते हैं तो यहाँ पे भी सजाया हुआ है, ऐसा नहीं कि गाँव में नहीं सजाया जाता, सजाया जाता है आजकल। तो अब हम लोग जो है ना छत पे आ गए और छत से देख रहे हैं दूल्हे को। तो बारात तो आ जाती है शाम को ही, और शाम के बाद में जैसे ही सियाले का टाइम होता है ना तो दूल्हे राजा यहाँ गुआड़ में आ जाते हैं। तो अभी तो वो घोड़े पे बैठे हैं, घोड़े से उतरेंगे और उनके जो भाई वगैरह होंगे या दोस्त वगैरह होंगे उनके साफा वगैरह ठीक करेंगे, और उसके बाद में उनको सियाला के लिए वहाँ पे जो गद्दी मैंने आपको दिखाई थी ना उस पर बिठाएंगे। और ये बराती और जो गांव के बड़े बुजुर्ग हैं वो लोग सब खड़े हैं, है ना। तो मैं ना कब से आपको लोगों को बोल रही हूँ गुआड़ है, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि गुआड़ क्या होता है। जो लोग गाँव में रहते हैं उनको शायद ज़्यादातर लोगों को पता है, लेकिन जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ कि गुआड़ क्या होता है। तो गुआड़ होता है गांव का सार्वजनिक स्थल जिस पे सार्वजनिक कार्य किए जाते हैं, जहाँ पे। तो ये जगह है ना, ये गांव के बीच की जगह, मतलब जो मेन हमारा गांव है ना जहाँ पे मेन जगह है वहाँ पे ये बना हुआ है, और इसी को हम लोग गुआड़ बोलते हैं। तो यहाँ पे जो भी सार्वजनिक कार्य होते हैं वो सब यहीं पे होते हैं, जैसे कि भागवत कथा यहीं पे होती है और रामलीला जो पहले होती थी वो भी यहीं होती है, और जो गणपति की मूर्ति स्थापना होती है वो भी यहीं पे होती है, और जो माता जी की मूर्ति स्थापना होती है वो भी यहीं पे होती है। और वो जो डीजे खड़ा है ना सामने, लाइटिंग आपको दिख रही है ना डीजे की, उसके पीछे जो है ना पिंक कलर का, वो है शिव जी का मंदिर। और जिस साइड मैं खड़ी हूँ ना इस साइड में माता जी का मंदिर है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाली बात है कि दोनों साइड मंदिर है और बीच में जो अच्छे कार्य होते हैं वो सब यहाँ पे किए जाते हैं। तो हमारे गाँव में क्या है ना कि एक रिवाज जो बहुत टाइम से चला आ रहा है वो है सियाली का। तो सियाली का रिवाज ये है कि घर है ना, चाहे लड़की का कितनी भी दूर हो, दुल्हन का घर मतलब कितनी भी दूर हो, बस स्टैंड हो, खेत में हो, साइड में हो, किधर भी हो, लेकिन सियाला यहीं पे होता है। तो चाहे कहीं पे भी हो घर, लेकिन सियाला यहीं होता है। तो पहले क्या स्कूल में या धर्मशाला में जहाँ बारात रुकती है वहाँ से सीधा पहले यहीं पे आती है, और यहाँ गुआड़ के बीच में जो है सियाला होता है, दोनों मंदिरों के बीच में सियाला होता है, और उसके बाद में ही दूल्हा अपने घर पे जाता है और घर पे जो तोरण वगैरह होता है, आगे के जो प्रोग्राम होते हैं वो सब होते हैं। तो मेरे को ये बात बहुत अच्छी लगती है हमारे गाँव की, कि पहले के टाइम से लेके अभी तक इस रूल को जो है, मतलब ये जो हमारे पुराने टाइम की परम्परा है, इसको फॉलो किया जाता है। और काफ़ी अच्छा लगता है जब सारे गाँव के लोग, मतलब सारे ये सियाले का रिवाज जो है ना सभी लोग यहीं पर करते हैं। आज तक जितने भी दूल्हा है सबका यहीं पे, और आगे भी जितने भी दूल्हे आएंगे उन सबका यहीं पे रहो। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा घर जो ना पास में है तो हम लोग दौड़ के आ जाते हैं और दूल्हे को देख लेते हैं। गाँव में आज भी सब वही फीलिंग आती है, सब सच में शादी वाली, जब मतलब दूल्हा आता है तो सब लोग छतों पे चढ़ के देखते हैं, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो, हम लोग अभी देख रहे हैं, मेरे साथ साथ और भी लोग देख रहे हैं। तो अभी मैं आपको ना ये भी बता देती हूँ कि सियाला क्या होता है।
काफ़ी लोगों को पता है सियाड़ा क्या होता है, लेकिन काफ़ी लोगों को नहीं भी पता, तो मैं बता देती हूँ जितना मुझे पता है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सियाड़ा में क्या होता है कि ये गुआर के बीच में जो है ना दूल्हा बैठ जाता है गद्दी पे, और जो बराती होते हैं वो बैठ जाते हैं, और जो गांव के बड़े बुजुर्ग होते हैं वो बैठ जाते हैं। तो फिर लड़की की तरफ से, लड़की वालों की तरफ से दूल्हे को जो दिया जाता है, जो कुछ भी, जैसे कि सोने की रिंग पहनाई जाती है, सोने की चैन पहनाई जाती है, जो भी अपने इच्छा अनुसार देते हैं वो सब यहाँ पे देते हैं। और जो आजकल टिक्के की रस्में चलती है ना, टिक्का दिया जाता है दूल्हे को, तो वो भी हमारे गांव में यहीं पे दिया जाता है। तो ये होता है सियाड़ा। और यहाँ जो है होगा वरमाला का प्रोग्राम होगा, तो वरमाला की व्यवस्था भी उधर नीचे की हुई है। तो अभी तो हम लोग दूल्हे को देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि वो घर पर आएंगे। तो घर पर आएंगे तो मैं आप लोगों को और भी ज़्यादा अच्छे से उनका चेहरा दिखा दूँगी। अभी तो चल रहा है प्रोग्राम सियाड़े का। तो सियाड़ा होने के बाद में अब जो है दूल्हे राजा दुल्हन के घर पे आ गए, और अब यहाँ पे जो आगे के प्रोग्राम होंगे मैं दिखा दूँगी आपको। हालांकि दुल्हन का घर बिल्कुल ग्वाड़ में ही है, तो इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगा घर तक आने में, उधर से बस इधर आ गए घोड़े पे बैठ के। तो अब यहाँ पे होगा तोरण का प्रोग्राम। तोरण का प्रोग्राम काफ़ी गाँव में जैसे हमारा सियाड़ा होता है वैसे होता है, लेकिन हमारे गाँव में तोरण का प्रोग्राम दुल्हन के घर पर ही होता है। तो अभी वो होगा, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि तोरण कैसे करते हैं। तो ये दूल्हे राजा अपनी तलवार को है ना तोरण के टच करके, और फिर उस तोरण को ऊपर, मतलब वैसे अपने हाथों से नहीं लगाते, लेकिन ऐसे रसम होता है उनके हाथों से लगाने का, देख लीजिए आप इस तरीके से वो टच कर देते हैं। और ये जो है हरी, साथ में जो दूल्हे की तरफ से जो नाई होते हैं वो हरी को पकड़ के रखते हैं ऐसे साथ में। और इस तरीके से हमारे राजपूत समाज में तोरण का प्रोग्राम, सॉरी तोरण की रस्म जो होती है वो पूरी की जाती है। तो ये हो गया तोरण का, सियाड़ा भी हो गया, तोरण भी हो गया, और मैं आप लोगों को ये दूल्हा भी दिखा रही हूँ। देख लीजिए हमारे दूल्हे राजा को अच्छे से देख लीजिए, फिर मैं आपको आगे दुल्हन भी दिखा दूंगी। पहुंच गई हूँ घर पे। हाँ, तो मैंने ना मतलब जितना हो सकता था मैंने रिकॉर्ड किया, क्योंकि दुर्वा भी छोटे थे, बीच बीच में उसको भी रख रही थी और मैं रिकॉर्ड भी कर रही थी। तो उम्मीद करती हूँ कि मैंने जितना भी जो कुछ भी मुझसे हो सका मैंने रिकॉर्ड किया, वो आप लोगों को पसंद आया होगा और आपने शादी को खूब इंजॉय किया होगा।
आज मैंने आपको जो शादी दिखाई ना, वो है हमारे रसिदपुरा में जिस तरीके से रीति रिवाज होते हैं ना, वो जरूरी नहीं है सभी जगह ऐसे रीति रिवाज होते हैं, लेकिन हमारे गाँव में इसी तरीके के रीति रिवाज होते हैं। तो ये मेरे गाँव की शादी थी, तो मैंने आपको लोगों को दिखा दी। आई होप आप लोगों ने खूब इंजॉय किया होगा और आप लोगों को ये आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मेरा सांस भी भर रखा है, तो आगे से और ऐसे ही व्लॉग्स देखने के लिए और मेरी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लगाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।